आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी हमें अपना होम टाउन त्रिवेणी में, और देखिए बर्फ का नजारा। रितेश भाई के साथ दो बंदे पीछे से आर्मी स्क्वाड है। जूता रोहन आ गया नहीं हमारा। अभी हम जा रहे हैं चंदौली में, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। अभी देखते हैं वहाँ पर कितने बर्फ गिरा हुआ है। हमारे साथ है कन्हैया भाई, देखिए चलना आगे चल रहा इधर। देखो बहुत ही मजा आने वाला, जब ग्राउंड में जाएंगे हम उधर का कुछ सीन ही अलग होगा, बर्फ ही बर्फ होगी। आसमान देखो एकदम साफ है, लेकिन नीचे ऊपर नीला है नीचे सफेद है। कन्हैया भाई जो कि हमारे गाइड है बर्फ में, ऐसा ये तो कभी आते नहीं यहाँ क्रिकेट खेलने, और मैं अभी नहीं जाता। और ये देख सकते हैं सीन आप, बस ऊपर में स्टेडियम है, स्टेडियम में पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पूरा सफेद बर्फ से भरा हुआ है। ये कन्हैया भाई और मस्ती करते हुए, ये देखिए, और ये हिमालय देखिए यहाँ से। और देखिए कुछ ज्यादा ही मस्ती हो रही है यहाँ पे। स्टेडियम में अभी देखिए हम चंदौली में हल्के हल्के आ चुके हैं, और ये नजारा देख सकते हैं आप। ये मैदान है यहाँ पे जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, स्टेडियम है हमारा गांव का स्टेडियम। अब आप ये बर्फ दे सकते हैं, वो पूरा बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी है। अभी आ चुके हैं हम चंदौली में, और यहाँ पे आप सीन देख सकते हैं। ये पीछे देखिए, ये हिमालय है पीछे, जो कि पूरा सा बर्फ से ढका हुआ है। और ये ग्राउंड देखिए पीछे पूरा, जो कि बर्फ से, और ये पीछे ये देखिए सीन कुछ अलग ही है यहाँ का, बर्फ ही बर्फ है अभी।
इसके बाद जाने हम वाले हम यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, देखिए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं शलगुंडा, और जो रनीश भाई को हम बहुत मिस कर रहे हैं, इस बार रनीश भाई हमारे साथ नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे और अभी है नहीं हमारे साथ, वीडियोग्राफर भी थे लेकिन है नहीं अभी हमारे साथ, तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी यहाँ से जा रहे हैं पहले हम शलगुंडा, मस्ती करते हुए जाएंगे जंगलों से रास्ते, चलिए देखते हैं आप शलगुंडा में जाके मिलते हैं। अभी यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है, उधर से ज्यादा बर्फ यहाँ पे गिरी हुई है, और देखिए यहाँ तक ये देखिए बर्फ कहाँ तक है, ये ओ माय गॉड। अभी हम ऊपर जाएंगे यहाँ से शलगुंडा में, यहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है उधर से, उसके मुकाबले यहाँ इधर बहुत गिरी हुई है। और बहुत ही मज़ा भी आने वाला, उतनी ठंड भी लग रही है, जूते का अंदर देखिए आप, रास्ता किस तरह से भरा हुआ है पूरे बर्फ से, ये रास्ता है देखिए, पता नहीं चल रहा है रास्ता है, इतनी बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे। और हमारा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ मैं आपको, जब हम छोटे थे हम यहाँ पे नहाने आते थे, ये देखिए यहाँ पे पानी भरा रहता है, जब हम छोटे थे यहाँ नहाने आते थे हम घर से, ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। अभी पहुंच चुके हम शलगुंडा में, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, पीछे से हिमालय देखिए पूरा दिखाई दे रहा है ऐसे, और ये देखिए पूरा ऊपर तक बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं आप, चल 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 ना चल चल
Thank you.
अभी जा रहे हैं हम अपने घर, ये रहा घर।